दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लाख दावे कर रहे थे, लेकिन बिहार के चुनाव में उन्हें मात्र एक सीट मिला है। चुनाव के बाद आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पटना के कार्यालय में पार्टी के सांसद, पूर्व सांसद, प्रदेश संसदीय बोर्ड और प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी के सभी प्रवक्ताओं के साथ बैठक किया गया एवं चिराग पासवान के द्वारा पार्टी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, हम आपको बताते चले कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान के द्वारा बड़ा निर्णय लिया गया है और पार्टी के सभी प्रकोष्ठ को भंग कर दिया गया है। जी हां, चुनाव में मिली करारी हार के बाद चिराग पासवान ने यह बड़ा फैसला लिया है और पटना कार्यालय में आज बैठक कर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ यह निर्णय लिया और पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को भंग करते हुए चिराग पासवान बहुत जल्द पार्टी के नए पदाधिकारियों की सूची जारी करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा सभी प्रकोष्ठ को चुनाव में मिली करारी हार के बाद भंग कर दिया गया है। यह चिराग पासवान का बड़ा फैसला है, यानी हम कह सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मिली करारी हार के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया है और एक नए सिरे से लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार में मजबूती प्रदान करने के लिए फिर से प्रकोष्ठ में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी ताकि वो पार्टी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।